अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लच्छा पराठा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने स्टाइल में लच्छा पराठा मैंने कैसे बनाया। ये बहुत ही मज़ेदार पराठा बना था और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया था, वाइट वाला जो चक्की का आटा होता है सिंपल। मैंने मैदा नहीं लिया था, मैदे से नहीं बनाए थे, मैंने चक्की के सिंपल वाइट आटे से बनाए थे जो मैं यूज़ करती हूँ, और बेकर का चक्की फ्रेश आटा। 4 कप आटे में 1 चम्मच हमने नमक डाला है, और इसके बाद मैं डालूँगी 4 चम्मचे देसी घी जो मैंने मेल्ट करके रख लिए थे। तो मेल्टेड हम इसमें घी डालेंगे और अच्छी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं रखनी ना बहुत सॉफ्ट है, लेकिन नॉर्मल डो रखनी है हमें, सॉफ्ट सी अच्छी सी। तो इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे, और पराठे हमारे इसी चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि हमारा आटा किस तरह गूंदा हुआ है। हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंदा होना चाहिए। अब उस पर मैंने देसी घी लगा दिया है, और इसको लगा के मैं इसको ढककर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो हम आटे को रेस्ट देंगे और इसको रख देंगे। 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको निकाला, अब हम इसके पेड़े बनाने शुरू करेंगे आटे के। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, और मैं काउंटर पे आ गई हूँ, मैंने प्लेट ले ली है, और प्लेट पे मैं इसके पेड़े बना बना के सही रख दूँगी। तो पेड़े रखने से पहले मैं प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी, और उस पर मैं ये पेड़े बना के सारे रख दूँगी। ये देखें, मैंने तो थोड़ा सा घी लगा लिया है प्लेट पर, और पेड़े बनाकर मैं सारे इस पर रख दूँगी। तो इसी तरह से मैं तमाम पेड़े बना लूँगी, और इसको जो है मैं पेड़ों पर को थोड़ी देर इसको भी रेस्ट देंगे, पेड़ों को थोड़ी सी हम इसको रख देंगे। तो देसी घी लगा के थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ दिया था। 5-10 मिनट के बाद जब हम बनाना शुरू करेंगे अब हम, तो हल्का सा मैंने जो है आटा डस्ट कर लिया था काउंटर पे, और मैं अब इन पेड़ों को अच्छी तरह से रोलर पिन की मदद से इनको रोल करूँगी, और इनको लंबा लंबा से हमें फैलाना है। हमें इसको गोल नहीं बेलना, हमें इसको लंबा बेलना है। अब हम जो पराठे बनाएंगे जिस स्टाइल से पराठे बना रहे हैं, तो हम इसको लंबा लंबा बेलेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं इसको लंबा लंबा बेलूँगी, और जितना हो सके आपने इसको लंबा कर लेना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मेल्टेड देसी घी लगाऊंगी, और ब्रश से इसको फैला लूँगी, और इस पर जो है मैं थोड़ा सा आटा भी डस्ट करूँगी, और थोड़ा सा मैंने आटा इस पर डस्ट किया है। अब इसको हम थोड़ा सा लंबा करने की कोशिश करेंगे, इतना सा हमें लंबा करना है इसको खींच के। अब हम इसको इसको किस तरह से, ये देखें, इसको मैं किस तरह से चुने दे रही हूँ हाथ से, दोनों साइड से मैं इस तरह से कर करके इसको अच्छी तरह से मैं इसको लंबा करूँगी, और इसको अपने हाथों पर लपेट लूँगी। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं इसके पेड़े जो कि हम पराठे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें खींच खींच के अपने हाथों पर लपेट लेना है। ये देखें, हमारा पेड़ा बन गया है पराठे का। तो आप देख सकते हैं मैं दूसरा बना रही हूँ, ये भी आप देख लें, दूसरे को भी मैं अच्छी तरह से, ये देखें, जितना मैं लंबा हो सकेगा तो मैं इसको लंबा करके बेल लूँगी, और इस पर मैं देसी घी लगाऊँगी मेल्टेड किया हुआ, थोड़ा सा आटा मैं इस पर डस्ट करूँगी, और साइडों से इस तरह से मैं इसको, ये देखें किस तरह से मैं साइडों से इसको फोल्ड कर रही हूँ आपस में, और दोनों साइडों से मैं आपस में फोल्ड करूँगी। और जब ये सारा फोल्ड हो जाएगा, तो इसको मैं काउंटर पे अच्छी तरह से इस तरह करके और हाथों पे लपेट लूँगी। तो ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए थे, और इस पर मैं देसी घी लगा के थोड़ी देर इसको भी रेस्ट दे दूँगी 5 से 10 मिनट तक। 5-10 मिनट हो चुके थे, अब हम बनाएंगे पराठे। पहले हम इसको हाथ से अच्छी तरह फैलाएंगे थोड़ी देर तक, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और या आटा डस्ट करेंगे, मैं तो आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, मैदा इस्तेमाल नहीं कर रही। तो आटा इस्तेमाल करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम आटा डालेंगे, और शुरू में तो पराठों में मैंने थोड़ा सा आटा इस्तेमाल किया भी था, लेकिन बाद में मैंने सिर्फ बेलन से ही इसको बेला, मैंने आटे का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम इसको गोल बेल देंगे। ये देखिए, हमारा गोल सा पराठा बन गया अच्छा सा। इसको एक तरफ रख देंगे। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। ये देखिए, इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी, और ये 2 पराठे मेरे बन चुके हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर से नहीं बेलना, बहुत हल्के हाथ से इसको बेलना है। तो दोनों पराठों को हम हल्के हाथ से बेलेंगे, हमारे गोल गोल पराठे। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर पर मैंने एक पराठा रखा, और एक दूसरा बटर पेपर हम इस पर रखेंगे। अब हम फ्रोज़न का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, कि हम पराठों को किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं।
फ्रोज़न पराठे किस तरह बना सकते हैं हम, इनको फ्रीज़ करने का तरीका, कि या तो आप बटर पेपर ले लें और इस तरह से इसको कर लें। ये देखें दूध की प्लास्टिक है मेरे पास, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है दूध की प्लास्टिक पर भी आप इसको अच्छी तरह से इसको शीट बना के और इस पर ऑयल लगाकर इस तरह इस पर रख सकते हैं। और सेव करने के लिए भी आप या तो आप ज़िपर बैग ले लें जिस तरह मैंने लिया है, या फिर आप दूध की थैलियाँ इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसमें से हमने एयर सारी निकाल लेनी है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि हम ज़िपर बैग लगा रहे हैं तो इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, और इसको हम सील कर देंगे और हम इसको फ्रोज़न कर देंगे। तो इस तरह से आप इन पराठों को एक महीने तक आप आराम से फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्राई करना है तो किस तरह करेंगे फ्रोज़न पराठे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको एक पराठा जो है वो फ्राई करके बता रही हूँ, जो मैंने ताज़े पराठे बनाए थे वो किस तरह फ्राई करेंगे, कि हमने तवे पर डाल के पहले हम इसको पलट लेंगे। कच्चे पराठे पर कभी भी हम घी नहीं लगाएंगे, तो एक तरह से जब हमारा पराठा सिक जाएगा उसके बाद हम पलट लेंगे, फिर उस पर हम घी लगाएंगे। और घी लगाने के बाद हमने जब इसको ये कुक करना है तो हमें इस तरह से इसको दबा दबा के कुक करना है। जो भी आप स्पैचुला या चमचा इस्तेमाल कर रही हैं पराठा बनाने के लिए, उससे हम पराठे को थोड़ा सा दबा दबा के घुमाते रहेंगे। उससे ये है कि पराठा बहुत ही अच्छा जो है वो कलर आता है पराठे पर, और बहुत अच्छा तैयार होता है पराठा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो रहा है। ये देखें, हमने आटे में कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, लेकिन हमारे पराठे के कलर बहुत अच्छे आए थे और बहुत अच्छी तरीके से तैयार थे। इसी तरह से हमने इसको पलट लिया था, और हमने देसी घी में डाल रही हूँ मैं पराठे जो बना रही हूँ, वो देसी घी से बना रही हूँ। और आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का मज़ा है वो तो अलग ही है। फ्रोज़न पराठे भी आप डायरेक्ट फ्रिज से निकालिएगा, और जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, उसको भी फ्राई कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जिस तरह बाज़ार के पराठे डायरेक्ट निकाल के तवे में फ्राई करते हैं, इसी तरह से आप उसको भी निकाल के कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम सारे क्रिस्पी मज़ेदार से पराठे रेडी कर लेंगे। तो इसको मज़ेदार से पराठों को एंजॉय कीजिए। इसके आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लच्छा पराठे बने हैं। तो इसको चाय के साथ, सालन के साथ, ऑमलेट के साथ, सहरी में, रमज़ान में एंजॉय कीजिए। और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।